आदाब, मैं हूं अनवर खान। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। अलीगढ़ जिला कारागार में भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों की लगी लंबी लाइन। राखी बांधने आई बहनों ने जेल की व्यवस्थाओं को सराहा। जेल प्रशासन द्वारा बहनों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से खुला हुआ मिष्ठान लाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। थोड़ा बहुत पैक हुआ मिष्ठान आप जेल के अंदर ला सकते हैं। जेल प्रशासन ने मिष्ठान की व्यवस्था भी अंदर ही की है। सुबह से शुरू हुई मुलाकात शाम 5:30 तक चलेगी। जेल सुपरिंटेंडेंट ने सभी बहन भाइयों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हरदुआगंज थाना इलाके के रहने वाले लकी 2021 से जिला कारागार में बंद है। राखी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज मेरी बहन और मौसी राखी बांधने के लिए कारागार में आई है। मुझे भी आज खुशी हो रही है। मुझे जेल में बंद हुए लंबा समय हो गया है। जेल प्रशासन ने बेहद सराहनीय कार्य किया है। मैं जेल प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। मेरी मौसी जी भी आई है और बहन भी आई है। अंजू हरदोगंज जी, मेरा भाई है जेल में। काफी दिन से बहुत चक्कर कट रहे हैं, इसलिए बहुत परेशान है, इसलिए जेल में आते हैं। जी कैसा लगा आपको आज अपने भाई से मिलकर? बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कारागार में निरुद्ध जो भी हमारी बंदी भाई और महिला माताएं शक्ति हैं, उन सबको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूं कि कारागार के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एक हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जिसे डिप्टी जेलर रैंक के एक अधिकारी लीड कर रहे हैं। कारागार के भीतर भी एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो महिलाओं को। और इसके दृष्टिगत एक चीज़ आपको और अवगत कराना चाहता हूँ कि एक NGO है, हैंड्स फॉर हेल्प और उम्मीद प्रोजेक्ट, जिनके माध्यम से बाहर सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की गई है, शरबत पानी इत्यादि की भी व्यवस्था की गई, ताकि गर्मी में किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और कारागार के बाहर भी महिला आरक्षियों के माध्यम से एक सुरक्षा व्यवस्था जो है बनाई गई है। कारागार के भीतर तलाशी के लिए भी महिला आरक्षी हैं और अंदर की ओर में भी अधिकारियों के द्वारा निर्माण जो है पूरी तरीके से देख रेख में मुलाकात कराई जा रही है। सम्यक रूप से सभी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। कारागार के बाहर से किसी भी प्रकार का मिष्ठान इत्यादि खुले रूप में अनुमन्य नहीं किया गया। यदि पैकेट बंद थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ मिष्ठान ले आते हैं तो उसकी अनुमति दी गई है। बाकी शेष जो है मिष्ठान का प्रबंध कारागार स्तर से किया गया है। प्रातः 7:30 बजे से मुलाकात जो है प्रारंभ कराई जा चुकी है और 5:30 बजे शाम तक का समय निर्धारित किया गया है। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं फिलहाल, लेकिन यह है कि 400 के आसपास की स्थिति अभी पहुंच रही है।